नाश्ता करने, ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं। नाश्ते का ऑर्डर मैंने दे दिया, तो अभी 5 से 10 मिनट में नाश्ता आ जाएगा। तो आज नाश्ता आता है तो फिर दिखाते हैं आपको क्या नाश्ता है, और नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। टाइम हो रहा है जी 10:24। अभी सोच रहे होंगे कि आज ये देखें 10:24, अभी सोच रहे होंगे कि यार ये इस टाइम और ये ब्लॉग क्या चक्कर है। ये चक्कर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्या बात है, आज ड्यूटी क्यों नहीं गया, क्या वजह है, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आपने ब्लॉग का पूरा देखना, ठीक है। अब नाश्ता का ऑर्डर दिया, नाश्ता आता है, नाश्ता करते हैं तो मिलता हूँ। 5 minutes later अलहमदुल्ला जी, ये हमारा नाश्ता आलू वाला पराठा विद चने, अचार वाले चने। तो अभी इसके साथ एक चीज़ मिसिंग है, दही, वो भी आएगा। तो ये मेरे मज़े का नाश्ता है, ये चीज़ थी मिसिंग, ये आगे ही आ गई। अब हो गया हमारा नाश्ता पूरा, पर चाय हटी है बाद में। तो अब जल्दी जल्दी से करते हैं नाश्ता, नाश्ता करते हैं फिर मैं आपसे मिलता हूँ नाश्ता। A few inches later अलहमदुल्ला जी, नाश्ता कर लिया है और नाश्ता मतलब यही भी था, मज़ा आया। अभी जनाब साहब चाय का टाइम है, चाय पियेंगे, चाय लेंगे और हम चलेंगे अपने रूम में। रेडी भी होना है, जहाँ जाना है इसके लिए मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि किधर जाना है और क्यों जाना है। तो अभी हम लेते हैं चाय, ये हमने ले ली है चाय, चल रहे हैं अपने रूम में। अलहमदुल्ला जी, मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं ये ना समझे कि मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, हम आज कहीं और जा रहे हैं। इन यूनिफॉर्म कहीं और पे जा रहे हैं हम, सही है, ड्यूटी पे नहीं जा रहे। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सही है, और विद इन यूनिफॉर्म कहाँ जा रहा हूँ। ओके, हम पहुँच चुके हैं अपनी गाड़ी के साथ। इसको पहले साफ़ करते हैं, ठीक है, मिट्टी बहुत है इसके ऊपर, साफ़ करके तो फिर इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। कोल्ड स्टार्ट करके फिर हम निकलते हैं जहाँ जाना है। मिट्टी मिट्टी, इतनी मिट्टी है इसके ऊपर, इसको साफ़ करते हैं। साफ़ करता हूँ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी हो गई है साफ़ बिल्कुल, और कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया हमने, गाड़ी देख भी चमक रही है। अच्छा, और अब हम निकलने लगे हैं, तो निकलते हैं और चलते चलते बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, पहले पेट्रोल भरना है क्योंकि पेट्रोल कम है, तो पेट्रोल डलवाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो जी हम जा रहे हैं आज तलाबाद के वेयर हाउस। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। निकलने लगा हूँ, पेट्रोल बड़ा कम है, पेट्रोल भरवाते हैं और चलते हैं। तो जनाब हमारे पास पेट्रोल है कम, इतना कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। ज़्यादा नहीं डलवाना, सिर्फ 20 दिरहम का डलवाना है, 20 दिरहम का काफ़ी है, जहाँ हमें जाना उसके लिए काफ़ी है। बस अभी चलते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल डलवाने लगे हैं हम अभी। तो ये है जी पेट्रोल पंप, इधर तो लाइन ही बहुत लगी हुई, फिर भी घुस जाएंगे किसी ना किसी लाइन में। पेट्रोल स्टेशन लग गए हम भी लाइन में, पेट्रोल भरवाते हैं और फिर निकलते हैं। वो थोड़ा रह गया क्योंकि 1 बजे मैंने वहाँ पहुँचना है और टाइम देख ले क्या हो, 12:40, तो जल्दी जल्दी से निकलते हैं बस। A few inches later यार वैसे ही अच्छा मजाक है, मैंने 20 दिरहम का पेट्रोल डाला है, कुछ आया ही नहीं है, गजब बेइज्जती है। वो देखें एक सेल सिर्फ बढ़ा है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं आया, क्या यार ये धोखा है यार, ये सही नहीं है। फिर भी जितना आना था उतना आ गया, अब हम चल पड़े हैं जी अपने सफ़र की तरफ जहाँ हमें जाना है। जनाब अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है, हम जा रहे हैं आज तलाबाद वेयर हाउस, क्योंकि आज हमारी राइडर ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग पता नहीं किस लिए है, मुझे नहीं पता। अभी 2-3 महीने पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी, अभी फिर से हमारा लिस्ट में नाम आ गया है कि जी आपकी ट्रेनिंग है तो आज आ पाएँ। आज हम ड्यूटी नहीं गए इसीलिए हम ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, देखते हैं ट्रेनिंग में क्या है, आज क्या नया सीखने को मिलता है। वैसे जब भी ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो कुछ नया ही मिला है, मतलब आपको मत सिखा, चल कुछ नया ही सीखने को मिला है। जब भी तलाबाद की ट्रेनिंग हुई है कुछ ना कुछ नया ही
सीखा है। अभी भी फिर देखें किस चीज़ की ट्रेनिंग है, रास्ते में हूँ, थोड़ी देर लगेगी, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। यार इतना ज़बरदस्त बाइक जा रहा है ना मेरे सामने, मैं क्या बताऊँ आप, कि ये बाइक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, मुझे बड़ी पसंद आई है। ये मेरे पास से गुजरा है, बहुत कमाल का बाइक है यार, लेकिन वो थोड़ा स्पीड में है, यहाँ पे कैमरा है इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। उसको तो कैमरा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें आगे पीछे दोनों से पड़ेगा कैमरा, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड नहीं लगा रहा हूँ कार की, लेकिन बाइक बहुत ज़बरदस्त है जी। मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम एयरपोर्ट रोड शारजा अल जैद रोड, जो कि हमारे वेयर हाउस की तरफ जाता है। अब हम आ चुके हैं बड़े रोड पे, तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी यहाँ पे, साथ साथ मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, लेकिन रोड से जो है ना वो ध्यान नहीं हटना चाहिए। ये ऐसा रोड, ये है शारजा अल जैद रोड। अब आपको टाइम लैप्स कैसा लगा, टाइम लैप्स अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है, बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, तो हम पहुंचने वाले हैं वेयर हाउस। वैसे अब ट्रेनिंग मैंने पहले ली तो हुई थी 3 महीने पहले, लेकिन अभी पता नहीं किस चीज़ की ट्रेनिंग है, ये तो जाएंगे जब होगी तब पता चलेगा किस चीज़ की ट्रेनिंग है ये। अब मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर, फिर आपसे मिलता हूँ पहुँच के, ताकि टाइम जो है वो कम है और मैंने पहुँचना जल्दी है, क्योंकि मैं लेट निकला हूँ। मुझे था मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा हूँ, इसलिए जो है ना मैं अब वहाँ जाके ही आपसे मिलता हूँ। मैं थोड़ा ड्राइव फास्ट एंड केयरफुली कर लूँ थोड़ी सी, तो आपसे कुछ देर बाद। मैं पहुँच चुका हूँ वेयर हाउस, 1-2 मिनट का ही रास्ता है, और सामने बाइक्स खड़े हैं। पहुँच चुके हैं वेयर हाउस, इनमें क्या नहीं है शायद आपको यहाँ से नज़र आ रहे हो, वो बहुत सारे बाइक्स खड़े हैं। अब मैं जाके करीब से भी दिखाता हूँ आपको। 346 minutes later. ये तो जनाब हमने हो लिया है वेयर हाउस से, लेकिन एक बैड न्यूज है, ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई। शाबाश बेटा। इस टाइम कसम से बहुत गुस्सा चल रहा है, और क्या मैं बोलूं आपको, मैं बता नहीं सकता। एक तो पूरा दिन खराब हो गया, आज ड्यूटी भी नहीं की, वो एक अलग नुकसान है, और जनाब ट्रेनिंग भी नहीं हुई। वहाँ पहुँचा हूँ, पहुँचने के बाद थोड़ी देर उधर बैठे हैं, जब ट्रेनिंग का टाइम हुआ है पूछा तो उन्होंने कहा जी ट्रेनिंग जो है ना आपकी कैंसिल हो गई है, तो आप अभी वापस जाएं। क्या यार, अगर यार यही करना था तो बंदा पहले बता देता, यही कुछ होता है तो बंदा पहले इन्फॉर्म कर देता है कि ठीक है यार आज आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप नहीं जाओ। तो यहाँ से गए भी हैं और वहाँ वेट भी किया है, फिर भी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो यार क्या यार, कसम से मूड ही ख़राब हो गया। तो अभी बस वापस निकल रहा हूँ, अभी दिल भी नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने को, क्योंकि सारा मूड ख़राब हो गया। बस वापस निकल रहा हूँ, इंशाल्लाह वापस पहुँचूँगा, पहुँच के फिर आपसे ना बात करता हूँ, अभी तो सारा मूड ख़राब है बिल्कुल ही। अब मैं पहुँच चुका हूँ घर, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया रास्ते में। क्या यार समझ से बाहर है, आज की ड्यूटी भी ख़राब कराई, सही है ना, ट्रेनिंग हुई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आज के दिन का, कसम से बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपको नई ट्रेनिंग करवानी या नई ट्रेनिंग, तो बंदा कम से कम पहले इन्फॉर्म तो कर देता है, रात में इन्फॉर्म कर देता है या सुबह मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर देता है। अब जब सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं, तो हमें मैसेज आ रहा है जी कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ मतलब कि ट्रेनिंग के लिए, तब मैसेज आ रहा है कि आज आपकी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई है, तो नेक्स्ट किसी दिन ट्रेनिंग होगी, तो आप जो है ना अभी आप जा सकते हैं। ऐसे कैसे होता है, ऐसे तो नहीं होता ना। आज का दिन भी ख़राब गया, दिन भी ज़ाया गया, काम भी नहीं किया, चलो फिर भी कोई मसला नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। तो मेरा आगे वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मूड बड़ा अपसेट है, इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं भी लगा तो फिर भी कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी, तो मुझे दीजिए इजाज़त,
मिलता हूँ किसी नए व्लॉग में, नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।